हेलो वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टूडेंट अड्डा पर। मैं हूँ केएस तोमर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे आपके एग्ज़ाम फॉर्म जून 2021 को लेकर, क्योंकि अगर आप इग्नू का एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो इन सभी बातों को आप ध्यान रखिएगा जो भी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है कोई पॉइंट आपसे मिस हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने से पहले ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर आपने दिसंबर 2020 में एग्ज़ाम दिए थे और आपका रिज़ल्ट अभी तक वेटिंग में है, यानी रिज़ल्ट आपका नहीं आया है और एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म में सब्जेक्ट भर सकते हैं जिस भी सब्जेक्ट का आपका रिज़ल्ट पेंडिंग है। क्योंकि दिसंबर 2020 के एग्ज़ाम फरवरी में कंडक्ट किए गए थे, इस वजह से कम्प्लीट रिज़ल्ट अभी सभी स्टूडेंट्स का नहीं आया है। सो अगर आपका रिज़ल्ट भी अभी तक वेटिंग में है और आप चाह रहे हैं कि आप अपने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दें, तो आप उस सब्जेक्ट को एग्ज़ाम फॉर्म में भर सकते हैं जून 2021 के लिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने दिसंबर 2020 या उससे पहले किसी भी सब्जेक्ट में आपके पासिंग मार्क्स नहीं आए हैं या आप उसमें पास नहीं हो पाए हैं थ्योरी के अंदर, तो आप उस सब्जेक्ट को जून 2021 के एग्ज़ाम फॉर्म में फिल कर सकते हैं और उसका एग्ज़ाम दोबारा से दे सकते हैं। चाहे आपका कोई सा भी सेशन हो, अगर आपका दिसंबर का भी सेशन है और आपका कोई सब्जेक्ट लास्ट ईयर का रह गया है, तो उसको भी आप इसमें फिल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपके एग्ज़ाम सेंटर को लेके, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करते समय काफ़ी स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं और एग्ज़ाम सेंटर उन्हें काफ़ी दूर मिल जाता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको वही एग्ज़ाम सेंटर मिले जो एग्ज़ाम सेंटर आपने सेलेक्ट किया है, तो आप जल्द से जल्द एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि अगर वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट ने उस एग्ज़ाम सेंटर को सिलेक्ट किया होगा तो हो सकता है कि इग्नू आपका एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर दे, क्योंकि कोविड के प्रोटोकॉल के कारण इग्नू किसी का भी एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर सकता है अगर वहाँ पर सीट्स नहीं हैं, तो हो सकता है कि सिटिंग प्लान के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर दिया जाए। इसलिए अपना एग्ज़ाम सेंटर आप ध्यान से भरें और जो आपके रेसिडेंस के नियर बाय हो उसको चूज़ करें। अगर आप अभी एक दो दिन के अंदर ही एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं तो 90% पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो एग्ज़ाम सेंटर आप सिलेक्ट करेंगे वही आपका होल टिकट में मेंशन होगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपको एग्ज़ाम सेंटर बिल्कुल सही चूज़ करना है और जल्द से जल्द आपको अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके पास 5 या 6 सब्जेक्ट्स हैं तो आप उन सभी को एग्ज़ाम फॉर्म में फिल ज़रूर करें, किसी भी सब्जेक्ट को स्किप ना करें जिसका आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। बिकॉज़ काफ़ी स्टूडेंट के मन में ये रहता है कि वो शुरू में 2 या 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर देते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है कि मुझे बाकी सब्जेक्ट के भी एग्ज़ाम देने हैं, उसके लिए वो दूसरा एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकेंगे। तो ऐसा नहीं है। अगर आप दूसरा एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने जाते हैं, सबसे पहली बात तो आपको सेकंड एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इन केस अगर वेबसाइट पे आपको ऑप्शन मिल भी जाता है तो उस कंडीशन में आपको जो आप एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर रहे हैं वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम सेंटर आप ऑलरेडी पहले चूज़ कर चुके हैं उसको अगर आप लास्ट में दोबारा चूज़ करते हैं सेकेंड एग्ज़ाम फॉर्म में, तो उस टाइम तक उसमें सीटिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आपको सीट नहीं मिल पाएगी, जिस वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इसलिए अपना एग्ज़ाम फॉर्म सोच समझ कर भरें और एक ही बार में जितने भी सब्जेक्ट के आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं उन सभी को एक ही एग्ज़ाम फॉर्म में फिल करें। देन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आपने अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिया है और उसके तुरंत बाद आप अपने एग्ज़ाम फॉर्म का स्टेटस चेक कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म का स्टेटस वहाँ पर शो होगा, क्योंकि इग्नू आपको 72 घंटे का वेट करने के लिए कहता है, यानी 72 आवर्स आपको वेट करना होगा अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के बाद, उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम फॉर्म का स्टेटस रिफ्लेक्ट किया जाता है इग्नू की वेबसाइट पे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के बाद। नेक्स्ट एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी एग्ज़ाम फॉर्म स्टेटस से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसी प्रॉब्लम भी फेस करते हैं कि वो अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के 72 आवर्स बाद अपना एग्ज़ाम फॉर्म स्टेटस चेक करते हैं और वहाँ पर उन्हें उनका स्टेटस शो नहीं होता, तो उस कंडीशन में उन्हें क्या करना चाहिए।
तो अगर आप 72 घंटे वेट करने के बाद आपका स्टेटस शो नहीं हो रहा है तो आपको एक दिन का और वेट करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी टेक्निकल इश्यूज के कारण आपके स्टेटस अपडेट नहीं हो पाते हैं। इसलिए आप 72 घंटे होने के बाद एक दिन और वेट करें और उसके बाद अपना स्टेटस चेक करें। इन केस उस कंडीशन में भी आपका स्टेटस अपडेट नहीं होता है, देन आप इग्नू को कॉन्टैक्ट करें। इग्नू ने अपनी एग्ज़ाम फॉर्म रिलेटेड एक ईमेल आईडी दी हुई है जो कि है term&exam@ignu.ac.in। इस ईमेल आईडी पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इग्नू से और वहाँ पर अपनी जो भी आपकी एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको आप शेयर कर सकते हैं, और उसके बाद ही आपकी जो फ़ीस है जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म में सबमिट की थी या तो वो आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी या आपका एग्ज़ाम फॉर्म का स्टेटस वहाँ पर शो हो जाएगा। सो, अगर आप इन सभी बातों का, इन सभी पॉइंट्स का जो मैंने 6 पॉइंट्स आपको बताए हैं इनका ध्यान रखेंगे तो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने में आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी और आपका एग्ज़ाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और उसका स्टेटस भी वेबसाइट पे जल्द से जल्द अपडेट हो जाएगा। सो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली सभी अपडेट्स मिल सकें। सो, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।